कुछ निजी कारणों की वजह से हम स्टोरी टेलर का नाम यहाँ रिवील नहीं कर रहे। वी रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस एंड इमोशंस। रात में हम सब एक साथ बैठकर गांव में कल होने वाली पूजा में क्या करेंगे, यही सब बातें कर रहे थे। भाई तुझे पता है यहाँ की पूजा को देखने दूर दूर गांव के लोग आते हैं। हाँ, यहाँ के मैदान पर एक बड़ा सा पंडाल लगाया जाता है जहाँ रंगों से खेलकर सब लोग भक्ति के माहौल में खो जाते हैं। हाँ मुझे पता है, मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। मुझसे तो कल सुबह तक का भी इंतजार नहीं हो पा रहा है। कब बीतेगी ये रात। चल भाई अभी सो जा, कल बहुत मौज करनी है। तुम दोनों चलो, मैं थोड़ी वॉक करके आता हूँ। आज बहुत ज्यादा खाना खा लिया। ठीक है, जल्दी आ जाना। शहर की इतनी तेज और भीड़ भाड़ वाली जगह से जब आप किसी शांत जगह में आते हैं तो इसका एहसास ही अलग होता है। मुझे पहली बार अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। इतनी खामोशी थी उन सड़कों पर। मैं उन पलों को महसूस ही कर रहा था कि जब मैंने उसे पहली बार देखा, शायद ही मैंने इससे खूबसूरत लड़की कभी देखी थी। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सी सादगी थी। वो दूर से भी उतनी सुंदर दिखाई दे रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैं जाकर बात करूं उससे, शायद उसे किसी मदद की जरूरत हो। चल भाई अकेले क्या कर रहा है इधर? अरे मैं इनकी मदद को पूछने आया था। किनकी मदद? दीवार की? मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अरे अभी तो यही थी, कहां गई? यहां लड़कियां सात के बाद बाहर ही नहीं निकलती। चल अब। मैंने आसपास की गली में भी देखने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी, पर उसका चेहरा मेरी आंखों में बस गया। चल भाई चल। वाह, यहां लोगों को देखो कितने मग्न हैं। यहां बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी हैं यार। तू नहीं सुधरेगा कभी। सब लोग पूजा में बिजी हो गए पर मेरी नजर कहीं ना कहीं शायद उसे ही तलाश रही थी। और मैंने उसे फिर देखा। उन उड़ते रंगों के बीच सफेद सलवार सूट में उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। मेरी नजर जैसे अटक सी गई थी और मैं इस बार चाहता था कि मैं उससे बात करूं, और मैं उसके पास जाने लगा। आज तो मैं बिना बात किए नहीं जाऊंगा। मैं उसके जितना पास पहुंचता जा रहा था वो मुस्कुराते हुए पीछे जा रही थी। शायद वो मेरे साथ मजाक कर रही थी। और उसका पीछा करते करते मैं पंडाल के पीछे पहुंच गया। वो काफी सुनसान जगह थी और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उसे ढूंढने लगा, तभी मुझे एक भयानक आवाज सुनाई दी जो कोई भी सुनता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। ये क्या था? यहां तो कोई नहीं है, फिर ये भयानक आवाज कैसे? मैं वहां से निकलना चाहता था तभी मुझे पीछे से आवाज आई और मैंने पीछे देखा। मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो? पास नहीं आओगे? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा वैसे ही अचानक से वहां तेज तूफान के साथ धूल हवा में उड़ने लगी। पंडाल में शोर मच गया, लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं उस तरफ देखने चला गया। क्या हुआ? सब लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? ये देख, दो लड़कों की लाश मिली है। हे भगवान, ये दोनों? क्या हुआ तुझे? बहुत घबराया हुआ लग रहा है। किसने मारा इन दोनों को, कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं यार। ये सब क्या हो गया? अब ये किसने रंग में भंग डाल दिया? तभी मैंने वहां उस लड़की को पीछे भीड़ में गायब होते देखा और मुझे याद आया कि मैंने उससे फिर बात करने का मौका गवा दिया। शिट, फिर से चली गई यार। कौन चली गई भाई? कुछ नहीं, छोड़ यार। गांव वालों की बातों से पता चला कि उन दोनों लड़कों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। पूरे शरीर पर नुकीले दांतों और नाखूनों के निशान है। ऐसा लगता है कि किसी जंगली जानवर का काम है। ये सुनते ही हम इतना घबरा गए थे कि
के तुरंत वहां से निकल गए। जब से आया है तब से देख रहा हूं, किसी को ढूंढ रहा है तू? हाँ, एक लड़की है जिसको कई बार देखा है पर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। गायब हो जाती है मतलब भाई, परी है या चुड़ैल? पता नहीं, बस एक बार उससे मिलना है और अपने मन की बात करनी है। कोई नहीं, मिल जाएगी, इसी गांव की होगी तो जरूर मिल जाएगी। हम दोनों छत पर बातें ही कर रहे थे तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी और इस बार मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता था। मैं बिना कुछ कहे वहां से बस भागा। अरे क्या हुआ, कहाँ चला भाई? मैं भागते हुए उसकी तरफ गया, वो मेरे सामने थी, मुझे देखकर वो पलट गई। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए मेरे पास, अब तो बता दो तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रूही, याद है तुम्हें ये नाम? रूही? हाँ रूही, मैं वही रूही हूँ जिसको कुछ साल पहले तुम तीनों ने अपना शिकार बनाया था और इसी जंगल में जिंदा ही दफना दिया था। उन दोनों को तो मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ, अब तेरी बारी है। नहीं 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 रूही, मुझे माफ कर दो, मैं इस गांव में फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगा। जब तक मैं तुमको नहीं मार देती, रूही की रूह को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहते ही रूही ने हमला कर दिया और मोहित को अधमरा करके जिंदा उसी जगह दफन कर दिया जहां उन तीनों ने मिलकर रूही को दफनाया था। मोहित का दोस्त मुकुल उसको ढूंढते हुए जंगल तक आ गया था। मोहित, मोहित! तभी मुकुल को बेहोशी की हालत में वही लड़की दिखाई दी। उसने उसे उठाकर पूछा, मोहित कहाँ है? मुझे पता है वो तुम्हारे पीछे ही यहीं आया था। उसके बाद उस लड़की ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। उसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी और आज उस लड़की का एक ऐसा किस्सा जो आज तक अनकहा था, उसे मैं अपनी जुबानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। आई होप गाइज आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम किशन शाह और मैं राजकोट गुजरात का रहने वाला हूँ। ये जो किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ करीबन 10 साल पहले हुआ था, जब मैं और मेरे दो दोस्त कपिल और अनूप हम तीनों ऋषिकेश घूमने गए थे। उस वक्त नवंबर का महीना था। अनूप, मैंने और कपिल ने सोचा कि हम पूरा साल कहीं नहीं जा पाए हैं जॉब की वजह से, इसलिए हमें साथ में एक ट्रिप जाना चाहिए। हमने कई सारी जगहों के लिए गूगल पर सर्च किया और तय किया कि हम ऋषिकेश जाएंगे। इस वक्त वहाँ का माहौल भी सही होगा और घूमने और ट्रैकिंग के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ से ट्रेन में चले जाएंगे और वहाँ कार बुक कर लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। तो कल सुबह मिलते हैं। हम सुबह की ट्रेन से ऋषिकेश के लिए निकल गए। एक लंबे सफर के बाद हमने ऋषिकेश पहुंचकर होटल बुक किया और थोड़ी देर आराम करने के बाद एक कार भी बुक करवा ली। हम तीनों को एडवेंचर करना बहुत पसंद था, इसलिए हमने शिवपुरी रिवर राफ्टिंग का खूब मजा लिया। अरे मजा ही आ गया, बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ किया है हम तीनों ने साथ में। कपिल की तो हालत ही खराब हो गई थी। अब मैं कॉलेज वाला कपिल नहीं रहा, अब ऐसी चीजों से मुझे डर नहीं लगता। हाँ, सिर्फ भूतों से लगता है। हाँ, याद है कॉलेज में कैसे हमने उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था और भूत की आवाज निकाली थी? हाँ, और दूसरे ही दिन इसे बुखार हो गया था। दोनों ताली मारकर हंसने लगते हैं। कम ऑन गाइज, तब की बात अलग थी,
अब ऐसा कुछ भी नहीं। शर्त लगा ले, अनूप आज भी ये उतना ही डरता है। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। नहीं। तीनों इसी बहस के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। आज अमावस्या है, आज सारे अघोरी शमशान में गौर हवन करेंगे। रात को शमशान के आसपास मत जाना। किशन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, क्या बोलते हो? जाए दोनों साथ में? हो जाए। तीनों होटल पहुंचकर शमशान का पता लगाते हैं और कार लेकर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक अघोरी बाबा वहां कुछ हवन कर रहे थे। वो तीनों उसके पास जाते हैं। तुम तीनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, आज अमावस्या है, हम भी इस काम को करना चाहते हैं। आप जितने पैसे मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। आज की रात हम यहीं रहेंगे आपके साथ। ये कोई आम हवन नहीं है, काली तंत्र साधना है। अगर बीच में कोई भी यहाँ से उठ गया तो मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। तीनों ने अघोरी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पूरी रात वहाँ रुकने के लिए मान गए। अघोरी अपनी तंत्र साधना का सामान लेने उस देर के लिए चला गया और वे तीनों शमशान में ही थे। हम तीनों वहाँ खड़े ही थे तभी मुझे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे मेरे कान के पास आकर कोई मुझे कुछ बोल रहा, पर वो आवाज को साफ नहीं थी। मुझे घबराहट होने लगी थी, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। पर मुझे लगा अगर मैंने ये सब कहा तो शायद अनूप और कपिल मुझ पर हंसने लगेंगे, इसलिए मैं चुप रहा। और तब तक अघोरी आ गया और हम तीनों उनके साथ बैठ गए। अगर मैंने ये अनुष्ठान शुरू कर दिया तो तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते जब तक सुबह के 4 नहीं बज जाते। आप शुरू कीजिए। मुझे इस बार कुछ सही नहीं लग रहा था, पर क्योंकि शर्त की बात मैंने ही की थी अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। अमावस्या की रात थी और उस वक्त 12 बज चुके थे, जो काली शक्तियों के आगमन का वक्त होता है। हम तीनों अनुष्ठान में बैठे तभी अनूप की नाक से अचानक खून बहने लगा। सब और बड़ी शांति हो गई थी। अभी तक तो तू ठीक था, अचानक क्या हुआ? पता नहीं, जैसे किसी ने मुझे कस के खींचा हो ऐसा लग रहा है। क्या ये वही था जो मुझे महसूस हुआ था? ये शुरुआत है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या हमने कोई गलती कर दी थी यहाँ आकर? क्या इस शर्त की वजह से हम किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं पड़ गए थे? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। घोरी ने अनुष्ठान शुरू कर दिया था। करीबन आधे घंटे बाद हमने वो आवाज सुनी जिसने हमें हिला कर रख दिया। एक औरत की चीखें और रोना, वो चीख चीख कर कह रही थी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कपिल, ये चीखें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अघोरी, ये तरीका है काली शक्तियों का तुम्हें इस घेरे से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम इस घेरे से बाहर निकले तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो आवाजें इतनी बढ़ गई कि हमारे कान उसे सुन नहीं पा रहे। पूरा शमशान चीखों से, रोने से, बच्चों के रोने से भरता जा रहा था। कपिल, अब मुझसे ये और नहीं होगा, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। नहीं कपिल, इस घेरे से बाहर निकलना मतलब अपनी जान गंवाना है। बस 4 बजने में 2 घंटे ही बाकी हैं। कपिल, नहीं, मैं ये रोना, चीखे, आवाजें नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। कपिल अपने होश आवाज सब खो चुका था, वो कमजोर पड़ चुका था। उसने जोश में आकर घेरा तोड़ दिया और बाहर जाते ही वो जोर से चीखा जैसे उसकी आत्मा को किसी ने कुचल दिया हो। हमने अपनी आंखों से उसे जमीन पर बेजान गिरते हुए देखा, पर हम कुछ नहीं कर पाए। हम घेरे से बाहर नहीं जा सकते थे। हम 4 बजने का इंतजार करते रहे। उस दिन हमने वो खौफनाक मंजर देखा जो हमारे जहन से कभी नहीं गया। कपिल को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब रिपोर्ट में उसकी मौत की वजह दिल का दौरा था, लेकिन हम जानते थे कि उस रात क्या हुआ। अनूप और मैं राजकोट पहुंचकर भी उस मंजर को भुला नहीं पाए। हमने कई सालों तक काउंसलिंग का सहारा लिया। मेरी एक शर्त ने हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। आई होप गाइज आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमें जरूर फॉलो करें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं
तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर आपका स्वागत है। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर गुरु पांडा ने शेयर की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी अभिषेक नाम के एक लड़की की है। अभिषेक आद्रा शहर का रहने वाला है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अभिषेक बच्चों के घर जाकर उन्हें ट्यूशन पढ़ाया करता था। वो लोगों से काफी मिलजुल कर रहने वाला इंसान है। एक रात की बात है, जब अभिषेक बच्चों को पढ़ाकर ट्यूशन से अपने घर वापस आ रहा था, तभी उसे सड़क पर कुछ दिखा, जिसे देखकर वो वहां रुक गया। अभिषेक साइकिल से उतरकर देखता है तो बीच सड़क पर एक लाल रंग के कपड़े की पोटली और एक काला पुतला सड़क पर पड़ा था। अरे, ये रास्ते के बीच क्या पड़ा है? लगता है ये सब शरारत शहर के लोगों को डराने के लिए की गई है। अभिषेक लात मार कर उन चीजों को सड़क से दूर कर देता है। उन चीजों को लात मार कर अभिषेक ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। चलो, अब रास्ते पर इससे और कोई परेशान नहीं होगा, चलता हूं यहां से। उसके बाद अभिषेक वहां से साइकिल पर अपने घर की ओर निकल जाता है। पर इस बार उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई और भी उसके साथ साथ आ रहा है। उसे उसकी साइकिल भी भारी लग रही थी, मानो कि जैसे कोई साइकिल के कैरियर पर बैठा हो। अभिषेक ये सब महसूस करते करते कुछ ही समय में अपने घर पहुंच जाता है। आज तो बहुत थक गया, अब बस जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूं। वो रात का खाना खाकर सोने चला जाता है। आधी रात को अचानक से अभिषेक उठ जाता है और उससे ऐसा लगने लगता है जैसे कि कोई उसके कान के पास आकर कुछ बड़बड़ा रहा है। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बुरा सपना था। उफ। अभिषेक जैसे ही फिर से सोने लगता है, वैसे ही उसे घर में सामान गिरने की आवाज आने लगती है। अभिषेक को लगता है कि घर में कोई बिल्ली घुस आई है, जिसे भगाने के लिए वो उठकर उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल सामने आ जाती है। उसे देख अभिषेक बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। उसके मुंह से आवाज तक निकलनी बंद हो जाती है उस भयानक चुड़ैल को देखकर। उस चुड़ैल के मुंह से डरावनी आवाजों में कुछ बड़बड़ाने की आवाजें निकलने लगती हैं, लेकिन अभिषेक को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। फिर अभिषेक ने अपने बचाव के लिए अपने पास रखा सामान उससे चुड़ैल पर फेंकना शुरू कर दिया। उस चुड़ैल को मारने के लिए, जिससे वो चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अभिषेक पर हमला कर देती है। अभिषेक वहीं जमीन पर गिर जाता है और रात भर वहीं पड़ा रहता है। अगली सुबह जब अभिषेक को होश आता है, तब वो खुद को काफी कमजोर महसूस करता है। वो घर से बाहर नहीं जा पाता। उसने रात वाली घटना के बारे में किसी को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, भला आजकल के जमाने में भी कोई भूत प्रेत पर विश्वास करता है क्या? उसी रात जब वो खाना खाकर सोने चला जाता है, तो फिर से उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो घबरा कर उठता है और देखता है सामने कुर्सी पर चुड़ैल बैठी हुई होती है और बड़बड़ा रही होती है। अभिषेक को देखते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी की डरावनी आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है, जिससे अभिषेक बहुत डर जाता है और खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। पर तभी
उसकी नजर वापस से उस कुर्सी पर जाती है। वो देखता है कि चुड़ैल अब वहां नहीं होती और ना ही उसके हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। फिर अचानक से उस चुड़ैल के हंसने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और उसका साया पूरे घर में एक से दूसरी जगह दिखना और दिखकर वापस से गायब होना शुरू हो जाता है। इस सब से डरकर अभिषेक बेड के नीचे छुप जाता है और रात को वहीं सोने की कोशिश करता है, पर उसे लगता है जैसे कि वो भयानक आवाज़ें मानो उसे मार ही डालेंगी। उस पूरी रात अभिषेक सो नहीं पाया, वो दिन ब दिन काफी कमजोर होने लगा। फिर एक दिन अभिषेक के दोस्त शिवा को यह खबर मिली कि वो चार दिन से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ रहा। ये सुन शिवा को अभिषेक की चिंता होने लगी और वो उसका पता लेने उसके घर जाता है। जैसे कि शिवा अभिषेक के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि अभिषेक घर के एक कोने में घबराया हुआ जमीन पर बैठा हुआ है। ये तू इतना कमजोर कैसे हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना भाई? और मुझे पता लगा कि तू कई दिनों से बच्चों को पढ़ाने भी नहीं गया। तभी शिवा को घर के दूसरे हिस्से से कुछ अजीब सी खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं और वो समझ जाता है कि वहां कुछ गड़बड़ है और वो अभिषेक को अपने साथ घर से बाहर ले जाकर उससे पूछता है, क्या हुआ है तेरे साथ? मुझे सब सच सच बता, मैं तेरी मदद करूंगा। अभिषेक के साथ पीछे कुछ दिनों से जो कुछ भी घट रहा था वो सब कुछ अभिषेक शिवा को बता देता है। शिवा अभिषेक की सारी बातें सुनकर समझ जाता है उसे अब क्या करना है और वो बिना एक पल भी गंवाए अभिषेक को काली मंदिर वाले बाबा के पास ले जाता है। मंदिर पहुंचकर शिवा अपने दोस्त के साथ घट रही सब घटनाओं को बाबा को बता देता है। मैं इसकी आंखों में देखकर ही समझ गया था कि इस पर किसी का बुरा साया है। मंदिर के बाहर बाबा तुरंत पूजा हवन शुरू कर देते हैं, जिसमें अभिषेक और शिवा दोनों उनके साथ बैठे हुए होते हैं। पूजा चल ही रही होती है कि तभी वहां वो चुड़ैल नजर आती है। उसे देख अभिषेक बहुत डर जाता है और शिवा भी चौंक जाता है। शैतान, कौन हो तुम? इस लड़के को क्यों मारना चाहती हो? छोड़ दो इसे और चली जाओ यहाँ से वापस अपनी दुनिया में। ये सुन चुड़ैल भयानक आवाजें निकालने लगती है और कहती है, मैं इस लड़के का खून तब तक पीऊंगी जब तक ये मर नहीं जाता। ये सब तुम इसके साथ ही क्यों कर रही हो? इस लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक आदमी ने तांत्रिक क्रिया से मुझे अपने वश में कर लिया था। वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल किया करता था। मैं उसके दुश्मनों का खून तब तक पीती थी जब तक कि वो मर नहीं जाते थे। फिर एक दिन उस तांत्रिक ने मुझसे अपना पीछा छुड़वाने के लिए मुझे एक काले कुत्ते में कैद करके एक लाल रंग के कपड़े में बांध दिया। असल में वो रात जब अभिषेक अपने घर वापस आ रहा था वो अमावस्या की रात थी। जिस रास्ते में अभिषेक रुका था वो एक चौराहा था और उसने जिस पोटली को लात मारी थी उसमें वही पुतला था जिसमें तांत्रिक ने चुड़ैल को कैद किया हुआ था। पोटली को लात मारने के कारण वो चुड़ैल पुतले से आजाद होकर अभिषेक के पीछे पड़ गई। हे शैतान, तुम इस लड़के का पीछा छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ये बोलकर बाबा अपनी साधना और अपने मंत्रों की मदद से उससे चुड़ैल को अभिषेक के शरीर से निकालकर वहां से कहीं दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद अभिषेक फिर से ठीक होने लगता है और पहले की तरह फिर से बच्चों को ट्यूशन देने जाना शुरू कर देता है। शिवा, अगर तू मेरे उस दिन मेरे घर मेरा पता लेने नहीं आता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तूने मेरी जान बचाई है यार, थैंक यू सो मच। अच्छा, मतलब अब तू अपने दोस्त को थैंक यू बोलेगा? मुझे तेरा थैंक यू नहीं,
मुझे तो पार्टी चाहिए तेरे फिर से ठीक होने की खुशी में। हाँ क्यों नहीं मेरे दोस्त, जरूर। लेकिन आज भी वो उस हादसे को भुला नहीं पाया और उस चौराहे से ना गुजर कर भी वो चौराहा उसे अभी भी सब कुछ याद दिलाता रहता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।